कोई भी भाव अपने आप तो बड़े भाव हैं। भगवान को मित्र मान लो, भगवान को स्वामी मान लो, प्रीतम मान लो, जो उनको चेला मान लो, बेटा मान लो, वो तो इतने कृपालु, कुछ भी मान लो वो तैयार हैं। दशरथ जी को जो सूचना हुई कि कौशल्या जी के इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर बालक में आंसू चलने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अरे जिसका नाम सुनने से परम मंगल होता है, भगवान मेरे यहाँ बेटा बनकर के आए। क्यों? बेटा रूप से उनको प्राप्त करने के लिए उपासक। मेरा प्रभु कितना करुणामय, जगत का बाप होकर के बेटा बनकर के आया है, जो जगत का काल को भी भयभीत करता है। यशोदा मैया छड़ी उठाती है ना, वो काजल मिस्ते ऐसे डर पर रहे, इतना प्यारा प्रभु है। जो भाव रखे वो भाव प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हम दास है, जो भाव चाहो। अब कौन सा भाव चाहिए, तो ये गुरु बताते हैं। जिन गुरु की शरण में जाते हैं कि तुम्हारा अधिकार इस भाव से भगवत पर। जैसे मेडिकल स्टोर में सब दवा है, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें डॉक्टर की जरूरत है कि हमको कौन सी दवा सूट करेगी, तो लिख देगा पर्चे में, मेडिकल स्टोर से ले आओ, खा लो, ठीक हो। तो जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, ये सब मेडिकल स्टोर है, गुरु है वैद्य। ये चलो ऐसे करो, ये खाओ, ये पियो, ये जपो, ये ध्यान करो, बहु रोग से मुक्त हो गए। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यान विषय कयासा। अब मनमानी मेडिकल स्टोर में खाओगे तो हो सकता मर भी जाओ, क्योंकि अब कौन सी दवा कहाँ चली गई, क्या रिजेक्शन कर जाए। इसलिए जैसे डॉक्टर की अत्यंत अनिवार्यता है रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। तो किसी महापुरुष को, किसी ग्रंथ को, किसी वाणी को गुरु मानकर उसके अनुसार चल दो, अपना काम बन जाएगा। हम जो हैं वही पता चल जाएगा। अच्छा, ये ऐसी चीज तो है नहीं कि ये देखो, प्राकृतिक चीज तो है नहीं। जो वस्तु है वो मन बुद्धि के भी परे है। अब हर चीज हम मन बुद्धि से जानते हैं, तो मन बुद्धि प्रकृति जन्य तो दिखा सकती है, लेकिन परमात्मा तत्व को, क्योंकि उसी से उसको प्रकाश मिल रहा है, वो अपने प्रकाशक को कैसे दिखा दे। इसलिए राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वहां मन बुद्धि का भी प्रवेश नहीं। फिर अनुभव कैसे होता है, जब हम उनसे याचना करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में वो आकर के अनुभव करा। मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते, लेकिन मन बुद्धि में तो आ सकते हैं, उनकी ऑफिस में वो आके बैठ जाएंगे। हमारा मन कृष्णमय हो गया, हमारी बुद्धि भगवानमय हो गई, सब बात बन गया।